सर अपने प्रिंसिपल सर यहाँ वेलकम करती हूँ, और ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के वेबिनार के जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर रंजीत कुमार लेक्चरर मैकेनिक्स, उनको मैं माइक देती हूँ कि वो हमारे आज के जो इमेंस गेस्ट हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम सब सुनने वालों को दें और उनका परिचय हम सब तक कराएं। ओवर टू रंजीत सर। थैंक यू मैम, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोग को जैसा पता है, मंजू मैम बताई कि हम लोग पिछले साल से ही वेबिनार कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज वेबिनार सीरीज में आज ये 51वां वेबिनार है। और आज का जो टॉपिक है जो स्टार्टअप से रिलेटेड है, और आज हमारे जो स्पीकर है राहुल सर है, और ये सक्सेसफुली स्टार्टअप किए हैं और इनका कंपनी रन कर रहा है। तो अब मैं अपने रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगा कि वो कुछ बात कहें, और उसके बाद हम लोग आज का वेबिनार आगे बढ़ाएंगे। प्रिंसिपल सर। सर सर है ना? इनका कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड आप बच्चों को बता देते तब तक। एजुकेशनल बैकग्राउंड सर का बीटेक है, और ये अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, और स्टार्टअप के क्षेत्र में बहुत अच्छा इनका है, और बहुत अच्छे से ये जो ये वर्क स्टूडियो को वर्किंग है उसका पटना में ब्रांच है, और अदर स्टेट में भी ये ब्रांच जो है वो स्टार्ट किए हैं। और इनका ये मोटिवेशनल ये बैकग्राउंड रहा है बहुत अच्छा, और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मुझे लग रहा है कि प्रिंसिपल सर को ज्वाइन करने में कुछ दिक्कत है क्या? देख लेते हैं हम लोग, नहीं तो फिर टाइम और ज्यादा नहीं लेते हैं। बीच में जब सर को टाइम लग जाएगी तो हम लोग उनको ये करेंगे, यस मैम, वो ज्यादा बढ़िया एडमिट कर रहेगा। लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो यस सम्राट सर आप सेशन शुरू कर सकते हैं। सर सर हम लोग प्रिंसिपल सर का वेट कर लेंगे, जब आएंगे उनको समय, क्योंकि सर हो सकता है किसी मीटिंग में हो। ठीक है, ओके, ओवर टू सम्राट सर। थैंक यू सो मच मैम। सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी स्टूडेंट को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफ़ी अच्छा दिन है और मौका मिल रहा है बात करने का, तो अच्छा लग रहा है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने 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 बारे में बताना चाहूँगा बच्चों को कि मैं क्या करता हूँ और मैं कहाँ से हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की हुई है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, 2015 पास आउट है। और तो ये बेसिकली जो स्टार्टअप के का जो इंटरेस्ट मेरे अंदर जो आया है, जो वो कॉलेज डेज से ही था। जब मैं कॉलेज सेकेंड थर्ड ईयर में था तभी से क्या हो कि इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया था इंडिया में। जियो आया था और उससे पहले भी इंटरनेट का पेनेट्रेशन धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहा था। और अब मेरी ही उम्र के लड़के जो बड़े बड़े शहरों में, गुड़गांव हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद में हो, मतलब कि बड़े बड़े इंटरप्राइजेस और बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट कर रहे थे, बड़े बड़े फंड्स रेज कर रहे थे, और देखते ही देखते मैंने कुछ ही समय में पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर रहे थे। तो वहीं से देख करके मेरे अंदर में भी आया कि हम मुझे भी कुछ करना चाहिए, हम भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट के आने से एक जो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल गया है। मतलब बैंगलोर में बैठा भी शख्स इंटरनेट के माध्यम से वही काम कर सकता है जो एक पटना में बैठा शख्स कर सकता है। तो जब मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था तो मैंने एक, आज जो जोमेटो का जो आईपीओ आया, और आज हर कोई जोमेटो और स्विगी इस्तेमाल करता है, तो 2013 में मैंने कॉलेज में pay2india.com करके स्टार्ट किया था। तो वहाँ भी मैंने भागलपुर में अलग अलग रेस्टोरेंट्स को हमने क्या कहते हैं एग्रीगेट किया था, और वहाँ से ऑर्डर प्रोसेसिंग किया था। बट काफ़ी इनिशियल स्टेज था और सही मेंटरिंग नहीं थी मेरे मेरे पास उस समय, तो उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था मैं। और उसको उसको रन करने के बाद मैं विप्रो में मेरा प्लेसमेंट हो गया, तो मैंने कुछ महीने वहाँ काम किया। बट स्टार्टअप का इंटरेस्ट मेरे अंदर था तो मैं पहले, तो मुझे लगा कि नहीं ये सही समय है, और समय भी काफ़ी सही है कि अगर आज नहीं कर पाए तो फिर आज से 10 साल बाद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आई लेफ्ट माई जॉब, आई कम बैक टू पटना, और यहाँ पे आकर के मैंने एक दो और स्टार्टअप ट्राई किया बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। देन
मेरे कुछ पार्टनर्स मुझे पटना में मिले और उनके साथ मिल करके मैंने एक कोवर्किंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। तो कोवर्किंग का कॉन्सेप्ट मैं बेसिकली आप लोगों को बताना चाहूँगा, देन उसमें मैं टॉपिक पे आऊँगा कि कॉलेज क्यों बेस्ट है स्टार्टअप के लिए। कोवर्किंग इज बेसिकली लाइक ए शेयर्ड ऑफिस स्पेस। तो जनरली आप देखते होंगे कि कहीं पर अगर आपका ऑफिस है तो कम्प्लीटली वो आप पूरे स्पेस को आप ओन करते हैं। तो जैसे आप मॉल में जाते हैं ना, मॉल में अलग अलग दुकानें होती हैं, एक ही बड़ा स्पेस है बट अलग अलग दुकानें हैं और एक कॉमन फैसिलिटी होता है, जैसे वॉशरूम कॉमन होता है, रिसेप्शन कॉमन होता है, सीढ़ियाँ कॉमन होती है और हाउसकीपिंग जो बेसिक फैसिलिटीज है वो कॉमन होती है। सेम उसी मॉल के कॉन्सेप्ट को हमने ऑफिस स्पेस में हमने लेकर के आए हैं और एक बड़े 5,000 स्क्वायर फीट या 7,000 स्क्वायर फीट के स्पेस में हम अलग अलग चेम्बर्स क्रिएट करते हैं और अलग अलग चेम्बर्स को हम अलग अलग कंपनीज को हम सर्विस देते हैं और उनको रेंट आउट करते हैं। तो इसको शेयर्ड ऑफिसेज बोला जाता है, मतलब कि एक पूरा कॉमन स्पेस, जैसे कॉन्फ्रेंस रूम कॉमन होता है, मीटिंग रूम कॉमन होता है, रिसेप्शन एक ही होता है, मतलब एक ही रिसेप्शन से सारी कंपनीज का काम चल जाता है और कंपनीज अपना जो प्राइवेट काम है और डेडिकेटेड काम है वो अपने अपने चैम्बर से करते हैं। तो हमने ये अपना जो कोवर्किंग 2018 में कंकरबाग पटना से स्टार्ट किया था और आज हमारा पूरे पटना में हमारा 6 सेंटर है और पैन इंडिया हम लोग 8 शहर में है और हमारे 14 सेंटर है और आने वाले 2-3 महीनों में 2-3 और सेंटर हम लोग ऐड कर रहे हैं अपने आप। ये 3 साल का सफर रहा हमारा कोवर्किंग में और बाय गॉड ग्रेस हमने हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा, रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हमसे जुड़े हैं इस चीज़ को लेकर के। तो ये बेसिक मेरा, ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहाँ से पढ़ा कि ये बेसिक है। आज का जो टॉपिक है जो मैं डायरेक्टली उस पर आना चाहूँगा कि कॉलेज क्यों बेस्ट प्लेस होता है स्टार्टअप के लिए। तो जनरली क्या होता है कि हम जिस तरह के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिस ज्योग्राफी देश के जिस ज्योग्राफी से जिस बिलोंग करते हैं वहाँ पे जॉब को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वो प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि देर इज सम काइंड ऑफ सर्टेनिटी वहाँ पे है, थोड़ी सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे। और बिजनेस के प्रति रुझान जो है, जो पेरेंट्स का हो और हमारे जो आसपास का जो इन्वायरमेंट बोलिए या इकोसिस्टम बोलिए, वो उतना कंड्यूसिव नहीं है कि आप बिजनेस करेंगे तो लोग आपको सकता है डिसहार्टनिंग करेंगे, नहीं नहीं बिजनेस मत करो, क्योंकि लोगों को लगता है कि बिजनेस करने से ना आपका जो समय हो सकता है बर्बाद हो जाए या आपका सक्सेस रेट नहीं हो, आप सक्सेस ना कर पाए, तो उसको लेकर के लोग काफ़ी कॉशियस रहते हैं और काफ़ी सारा आपको प्रॉब्लम होगा जब आप स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम तब आती है ना जब कॉलेज से निकल जाते हैं। जब कॉलेज से आप निकलते हैं तो पेरेंट्स के तरफ से प्रेशर आने लगेगा कि भाई जल्दी से जॉब लो, और आपके हो सकता है आपका कोई दोस्त का जॉब लग जाए तो आपके ऊपर प्रेशर आने लगेगा कि पैसा अर्न करना है और काफ़ी सारे सर्टेन चीज़ें होने लगेंगी कॉलेज से निकलने के बाद। लेकिन जब आप कॉलेज में रहते हैं ना तो इस तरह का प्रेशर नहीं होता है क्योंकि सबको लगता है कि हाँ पढ़ने का वक्त है, आप पढ़ाई करेंगे, और पेरेंट्स की तरफ से भी उतना प्रेशर आपको नहीं होता है कि आप पैसा अर्न करने लगिए। तो दूसरा सबसे बेहतर चीज़ क्या है कॉलेज में रह के स्टार्ट करने का, कि अभी इंटरनेट आ गया है और इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया, आप सबके पास मोबाइल होगा, सब 4G फोन इस्तेमाल कर रहे होंगे, सबके पास 4G कनेक्शन होगा। और आजकल ऐसे ऐसे टूल आ गए हैं जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और ये ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये सारे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं ना जहाँ से बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। और जब आप कॉलेज में रहते हैं तो कॉलेज में आपको ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे जॉब करना है, चाहे मुझे सक्सेस करने का प्रेशर नहीं रहेगा, आप इसको एज ए पार्ट टाइम हॉबी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि फेल होने पे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे जब मैं कॉलेज में था और जब मैंने पे टू इंडिया स्टार्ट किया था 3rd ईयर में, तो मैंने 1-1.5 साल में वो वेंचर में सक्सेसफुल नहीं कर पाया था, और लेकिन मैंने चीज़ें बहुत सारी सीखी थी। वो चीज़ें क्या थी कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको आप सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना पैसे के कैसे आप सही ढंग से काम कर सकते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके नेटवर्क में आपके प्रोफेसर हैं। जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपने फंडिंग के लिए मैं अपने प्रोफेसर को पिच करता था कि सर मेरा ये आइडिया है कि आप कुछ फंड करिए मेरे को, तो कुछ कुछ प्रोफेसर जिनको मेरे आइडिया पर भरोसा था वो कुछ कुछ पैसा मेरे कंपनी में डालते थे, चाहे मेरे कंपनी मेरे कॉलेज के जो सीनियर थे मैं उनको पिच करता था और मैं उनसे भी थोड़े थोड़े पैसे लेकर के बिजनेस करता था वहाँ। थोड़ा म्यूट करेंगे कोई अगर है तो। हाँ, तो ये सब तरीका होता है जब कॉलेज में होते हैं तो आपके दोस्त होते हैं, आप कोई काम करेंगे तो आपके दोस्त हो सकता है कि बिना पैसे के आपसे जुड़ जाए काम करने लगे, क्योंकि जब कॉलेज से बाहर आएंगे आप तो आप किसी को हायर करते हैं तो यू हैव टू पे फॉर देट सर्विस। बट आप कॉलेज में है तो कॉलेज में हो सकता है कि आपके बैच में 150 लोग हो
तो आप उनमें से 5 लोगों को चुन सकते हैं कि भाई चलो मिलकर ये काम करते हैं, तो उनके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके सीनियर होंगे कॉलेज के जो कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, आप उनको अपना आइडिया पिच कर सकते हैं कि सर मेरे पास ये आइडिया, हम ये करना चाहते हैं, हम ऐसे पैसे कमाएंगे, ये बिजनेस मेरा बिजनेस मॉडल है, ये मेरा रेवेन्यू मॉडल है। तो आप कन्विंस करके थोड़े बहुत पैसे रेज करके और थोड़ा अपने अपने पॉकेट मनी से भी बचा करके आप चीज़ों को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इंटरनेट की वजह से सारा चीज़ अब आजकल लोग ऑनलाइन सर्च करता है, खाना का हो, कहीं पे घूमने जाना हो, कोई चीज़ कोई सर्विसेज अवेल करनी हो, टिकट बुक करना हो, आप अपने लाइफस्टाइल का पार्ट देखेंगे आज के टाइम में तो आप देखेंगे कि आप मैक्सिमम 50-60% अपना काम ऑनलाइन करते हैं, बुकिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक। तो ये सब ऐसे फायदे हैं जो आप कॉलेज में रह करके उठा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आप कॉलेज में रह करके स्टार्ट करते हैं, आप कॉलेज के बिल्डिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑफिस ऑपरेशन के लिए। जब कॉलेज से बाहर आप निकलेंगे तो और आपको अपना बिजनेस करना है तो आपको ऑफिस लेना पड़ेगा, उसका एक कॉस्ट है। लेकिन अगर आप कॉलेज में रह करके भी इस्तेमाल करते हैं तो कॉलेज आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा आपको उस स्पेस ऑक्यूपाई करने, क्योंकि कॉलेज के लिए तो वो एक यूएसपी है कि उनके बच्चे कॉलेज में रह करके भी बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आज हमारे कॉलेज में क्या है कि आज ही के दिन मेरे कॉलेज में एक स्टार्टअप का लॉन्च है। आज उन्होंने क्या एक पोर्टल बनाया, vidyayan.com करके एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल में वो क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को ट्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं कि हम होम ट्यूशन जाकर के देते हैं बच्चों को, तो वैसे टीचर को स्टूडेंट से कनेक्ट कर रहे हैं और उसको कॉलेज से 1.5 लाख रुपए का फंडिंग भी हुआ है। तो आजकल गवर्नमेंट के भी ऐसे बहुत सारे फंड्स आ गए हैं कि जहाँ पे कॉलेज अपने कॉलेज के अंदर भी इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप कर सकता है और अपने बच्चों को थोड़े बहुत फंड देकर उनको सपोर्ट दे सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको फेल होने का या सक्सेस होने का प्रेशर नहीं होगा जब कॉलेज में आप हैं। और आप अपने जीवन का 3 से 6 महीने अगर आप इस स्टार्टअप में देते हैं ना, तो आप उतना सीख सकते हैं जितना आप पिछले 15 सालों में नहीं सीख पाए होंगे। क्योंकि जब स्टार्टअप में आप होते हैं तो स्टार्टअप में जब बिजनेस करते हैं आप, तो उसके सेल्स पर्सन आप ही होते हैं, उसके ऑपरेशन के ऑपरेशन गाई आप ही होते हैं, उसके फंड मैनेजमेंट गाई आप ही होते हैं, उसका बाथरूम साफ करने वाले आप ही होते हैं, सामान की डिलीवरी करने वाले आप ही होते हैं, मतलब एंड टू एंड वो सब आपका काम होता है। तो हर एक काम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक रोल होता है जो आप सीखते हैं। आपको क्लाइंट से बात करना आ जाएगा, 3 महीने आप कंसिस्टेंटली किसी क्लाइंट से बात करते हैं ना, तो आप खुद में फील करेंगे कि आपके बात करने का तरीका बदल गया है, आपके प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया, आपके सोचने का तरीका बदल गया, आप मार्केट के तरीके से सोच रहे हैं। आज जब बच्चे स्कूल या कॉलेज से जब पास आउट होते हैं ना, तो उनको मार्केट की रियलिटी नहीं पता होती कि मार्केट किस तरीके से डील करता है। आप जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं, मार्केट बिल्कुल उसके ऑपोजिट तरीके से काम करता है। जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो आप ढंग से बोल नहीं पाते हैं, बात करने में थोड़ी हेजिटेशन होता है, कैसे अप्रोच करना है लोगों को। नहीं, जब बिजनेस में आप आते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि क्या हेजिटेशन है, आप बस उनके पास पहुंचते हैं और पिच कर देंगे, सर मेरे पास ये आइडिया है, मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये सर्विसेज है और हम इस सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं, इससे आपका काम इतना बेहतर हो जाएगा। हो सकता है कि आपके पहले दूसरे या तीसरे क्लाइंट में आपको दिक्कत होगी, बट आप चौथे पांचवें और छठे जब क्लाइंट के पास जब आप पहुंचेंगे ना, तो आपको लगेगा कि चीज़ें धीरे धीरे बदलती चली जाएंगी। जैसे मैं अपने कोवर्किंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, जब हमने कोवर्किंग स्टार्ट किया था ना, तो हम अपने क्लाइंट को पिच करते थे कि हम कोवर्किंग स्पेस दे रहे हैं। तो मैंने जब अपने 15-20 क्लाइंट को जब पिच किया कि मैं कोवर्किंग स्पेस दे रहा हूँ, तो उनको कोवर्किंग समझने में दिक्कत होती थी, क्योंकि पटना के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था कि भाई शेयर्ड ऑफिस तरह का भी कॉन्सेप्ट पटना में चल सकता है। तो हमने अपनी टीम के साथ बैठ के वर्कआउट किया कि कोवर्किंग को और सिंपलिस्टिक तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास दिमाग में आया कि हम लोग तो फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस देते हैं, तो क्यों नहीं कोवर्किंग की जगह पर हम फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस बोलना स्टार्ट करें। तो हमने कुछ क्लाइंट्स को बोलना शुरू किया कि हम लोग फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस देते हैं। कुछ क्लाइंट समझने लगे हमारे चीज़ों को। फिर बाद में हमें रियलाइज हुआ कि हम लोग सिर्फ फर्निश ऑफिस नहीं देते, हम लोग सर्विसेज भी देते हैं, जैसे हाउस ऑफिस बॉय, हाउस कीपिंग सर्विसेज, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, पार्किंग स्पेस, ये कम सारी सर्विसेज हम लोग क्लब करके देते हैं। तो हमने इसको कहना शुरू किया अपने क्लाइंट्स को कि हम लोग सर्विस्ड ऑफिस देते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद हमें रियलाइज हुआ इसको और बेहतर तरीका है बोलने का, वो क्या है, रेडी टू मूव इन ऑफिस स्पेस। अगर आपको अभी ऑफिस चाहिए तो आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपना ऑफिस। तो ये एक इवोल्यूशन हुआ हमारा 6-8 महीने में कि हमने कोवर्किंग बोलने से लेकर के रेडी टू मूव इन ऑफिस स्पेस तक बोलना शुरू किया। तो ये जो नॉलेज है और ये जो एक्सपीरियंस है वो तभी आ जाओ मार्केट में लोगों से बात करना शुरू किए।
सिमिलरली ये आपके अंदर भी आएगा, जब आप काम करना शुरू करेंगे, जब बिजनेस के लेकर के आप डेली 100 लोगों से बातें करेंगे, जब मिलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ना आपके एटीट्यूड में और आपके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ जाए। और ये जरूरी नहीं है कि आप जो स्टार्टअप शुरू करेंगे मान लीजिए कि वो चलेगा और आगे चल के आपको बिजनेस ही करना है। आप स्टार्टअप इसलिए करिए कॉलेज में ताकि आप रियल लाइफ सिचुएशन को डील करना सीखिए। हो सकता है आपका मन आप बिजनेस आगे चल के बिजनेस नहीं करें, आपको मन हो कि नहीं आगे चल के मुझे जॉब ही करना है, आप बिल्कुल जॉब करें, लेकिन जॉब करने से पहले आपको इंटरव्यू देना होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। चाहे जॉब का भी अपना एक एक्सपेक्टेशन होता है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन जब भी कोई रिक्रूटर या किसी इंटरव्यू में आप बैठेंगे और लोगों को बताएंगे कि जब मैंने कॉलेज में मैंने ये आइडिया स्टार्ट किया था और मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था बट चल नहीं पाया, तो वो आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ ऐसा किया है जो नॉर्मली लोग नहीं करते। तो जब मैंने अपने सीवी अपना रिज्यूमे जो बनाया था मैंने उसमें डाला था फेल्ड एट वन स्टार्टअप, तो लोग मुझसे मेरे स्टार्टअप के बारे में सवाल पूछते थे। तो जब वो अपने स्टार्टअप के बारे में सवाल पूछते तो मेरे पास पूरा का पूरा एक्सपीरियंस था मेरे पास, तो मुझे जवाब देने में मुझे किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होता था। तो इस तरीके से आपके साथ भी होगा कि जब आप 3-6 महीने अपने बिजनेस पे काम करेंगे, अपने स्टार्टअप पे काम करें, हो सकता है वो आइडिया आपका क्लिक कर जाए, आप पैसे कमाने लगे। अभी क्या हुआ है कि 2 दिन पहले मेरे कॉलेज के 2020 पास आउट जूनियर आया, लॉकडाउन में वो पास आउट हुआ और कहीं जॉब नहीं था उसके पास, तो वो घर पे बैठा था। देवियर सिविल इंजीनियर्स, तो उन्होंने ऑटो कैड में काम करना उनको आता था, तो वो जमीन का नक्शा बनाना जानते थे। वो उन्होंने लॉकडाउन में क्या किया, ऐसे ही खेल खेल में उन्होंने क्लाइंट का 2-3 लोगों से बातें की, बोली लाइए हम आपका नक्शा बना देते हैं। उन्होंने नक्शा बनाना शुरू किया, तो वो 3 दोस्तों को, जो 3 दोस्त मिलकर ये काम कर रहे थे, उनको लगा कि ये नक्शा बनाने का काम तो बहुत जेन्युइन है और मार्केट में इसका डिमांड भी है, तो क्यों नहीं एक कंपनी बनाई जाए और हम लोग नक्शा बनाने का ही काम करें। और आज उन्होंने 2 दिन पहले कंपनी रजिस्टर करके मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बता रहे थे, मुझे काफी खुशी हुई कि मेरे जूनियर्स। सर हेलो सम्राट सर, मैं 2 मिनट आपका टाइम थोड़ा रोकना चाहूंगी, प्रिंसिपल सर ज्वाइन कर लिए हैं तो उनको थोड़ा हम लोग सुन लेते हैं, ठीक है ना, ताकि मोटिवेशन का जो लेवल है वो थोड़ा और हाई हो जाए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, करेक्शन चला गया, ठीक है सर, है सर, आप इससे ही बोल लीजिए ना सर, इससे बोल लीजिए, बाकी बढ़िया से। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। हमारे वक्ता सम्राट सर और कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रंजीत, ऑर्गेनाइजिंग टीम डॉक्टर मंजू कुमारी एंड जो आईटी क्लब के हमारे स्टूडेंट्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ एंड हमारे प्रिय छात्र, मुझे अपार खुशी है कि वेबिनार के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्टार्टअप का है उस पर वेबिनार आयोजित की गई है, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर माइंडेड हैं और जो कुछ भविष्य में खिसा पिटा नौकरी सिस्टम से आगे चल के कुछ करने वाले हैं, जिनकी सपना बिल गेट्स बनने की है, जो स्टीव जॉब्स काम करने वाले हैं, हमारे आज के इस वेबिनार से विशेष फायदा पहुंचने वाला है। और हमारे सभी छात्र जो काफ़ी मेहनती और टैलेंटेड डिसिप्लिन्ड हैं, वे सभी इस वेबिनार से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे, ये हमें उम्मीद है। एक बार पुनः हम सभी छात्रों को इस वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम डॉक्टर मंजू, कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रंजीत जी और हमारे विद्वान वक्ता को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर।
सम्राट सर अब आप कंटिन्यू कर लीजिए। प्रिंसिपल सर गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। तो सर मैं बता रहा था कि स्टार्टअप आप लोग तो ये एक जो जर्नी होती है ना कि स्टार्टअप का सक्सेस या फेलियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका जर्नी को इंजॉय करना। क्योंकि जब आप जैसे आपका जो बच्चा होता है ना जब बच्चा जो आई थिंक आप बहुत तो छोटे हैं शादी होने में समय लगेगा अभी आप लोगों को बट आप देखेंगे ना कि जो पेरेंट्स का जो बच्चा होता है ना उसके लिए जितना प्यारा होता है ना वैसे ही एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए उसका स्टार्टअप उतना ही प्यारा होता है। उसको भी अपने आइडिया से जब उस आइडिया को जब दिमाग में उसका आइडिया आता है उसको पेन पेपर पे निकालता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है तो उसको अपने आइडिया से भी उतना ही लगाव होता है जितना एक पेरेंट को अपने बच्चे से होता है। और जितनी सीखे पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलती है ना वही लर्निंग और वही नॉलेज वही एक्सपीरियंस एक स्टार्टअप फाउंडर को अपने स्टार्टअप आइडिया से भी और अपने स्टार्टअप से मिलती है। तो जब आप 6-7-8 महीने या 1 साल या जब तक का स्टार्टअप करते रहेंगे ना तो आप देखेंगे डेली लाइफ में इतने हसल आएंगे। आसान काम नहीं होगा क्योंकि डेली प्रॉब्लम आएगा डेली कुछ ना कुछ इशू आएगा आपके सर्विस में आपके प्रोडक्ट में कस्टमर का कंप्लेंट आएगा क्लाइंट का कंप्लेंट आएगा आपके वेंडर्स के कंप्लेंट आएंगे लेकिन आप खुद को ऐसा फील करेंगे कि आप धीरे धीरे उन सारे प्रॉब्लम्स को वन बाई वन सॉल्व करते जा रहे हैं। आप एक छोटी टीम को ऑपरेट करेंगे छोटी टीम को मैनेज करेंगे और आप उस टीम के थ्रू उस सारी चीज़ों को मैनेज करते चले जाएंगे तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आएगा। आपको ऐसा फील कि मुझे ऐसा फील होता भी है और हुआ भी है ऐसा क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर पता नहीं आप शायद आपने कभी फील नहीं किया होगी आप ऐसा काम कर सकते हैं बट धीरे धीरे जब इस जर्नी पे जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई आप ये काम कर सकते हैं। मैं आपको ओयो की स्टोरी बताता हूँ। आई थिंक आप सबने ओयो रूम्स का नाम सुना होगा। रितेश अग्रवाल उसके फाउंडर हैं। रितेश मात्र 18 साल के थे जब उन्होंने ओयो रूम्स का एस्टैब्लिशमेंट किया था और जब उन्होंने ओयो रूम्स का जब एस्टैब्लिशमेंट किया था उन्होंने तो मात्र 19 साल में ही उनकी कंपनी में 65 लाख रुपए की फंडिंग हुई थी 19 साल की उम्र में सिर्फ आइडिया बेसिस पे कि हाँ ये आइडिया है। उन्होंने छोटा सा वेबसाइट बनाया था 2-3 होटल्स को जोड़ा था अपने साथ में और उनका आइडिया निकल पड़ा था। तो सर जब मैं कॉलेज में था तो मैं भी रितेश अग्रवाल और उनकी ओयो स्टार्टअप से बहुत इंस्पायर्ड था। ठीक उसी तरीके फ्लिपकार्ट के फाउंडर के बारे में बताना चाहूंगा कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर ने 2007 में अपना फ्लिपकार्ट बिजनेस स्टार्ट किया था और 2018 या 2019 में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को अपना फ्लिपकार्ट बेच दिया। कितने में बेचा उन्होंने अपने तो 1,10,000 करोड़ में उन्होंने अपनी पूरी कंपनी को बेचा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप और आप जॉब कर रहे हैं तो क्या 10 साल के इंटरवल में आप 1,00,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? तो ये जो कैपेसिटी है हजारों करोड़ों का और सैकड़ों करोड़ों का ये कैपेसिटी है इंटरनेट बिजनेसेस का। आज के टाइम में जो बिजनेस है आज देश की जो इकोनॉमी है वो $3 trillion की है और अगले 10 साल में ये 15 से 20 trillion हो जाएगी। मतलब आज जो इकोनॉमी है वो 10 सालों में हो सकता है 5 से 10 गुना बड़ी हो जाए। तो मतलब ये जब इकोनॉमी जब बड़ी होती है तो इसका सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर इसका होता है वो होता है बिजनेसेस। जो बिजनेस करेगा वो इस बड़े जो ग्रोथ होने वाला है उस ग्रोथ का सबसे बड़ा फायदा उस बिजनेस को मिलेगा जो इस टाइम में अपना काम करेगा। और आप कॉलेज में हैं आपके पास कॉलेज के 2 साल होंगे 3 साल होंगे या 1 साल होंगे तो आपके पास समय है कि कॉलेज से निकलने से पहले एक बार आप गंगा जरूर नहा लें स्टार्टअप की दुनिया में। एक बार कोशिश करें अपने आइडियाज में। आइडिया कुछ भी हो सकता है। आप बैठेंगे अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद प्रॉब्लम दिखने लगेगा और स्टार्टअप फाउंडर का दिमाग सिर्फ सॉल्यूशन पे जाता है कि भैया ये प्रॉब्लम है ये सॉल्यूशन करना है। जैसे जोमैटो का जो आइडिया है वो कैसे आया था मेरे दिमाग में जो पेटू इंडिया का जो आइडिया आया था जो खाना रेस्टोरेंट से डिलीवरी करने का वो कैसे आया था कि लोगों को घर बैठे खाना डिलीवरी करना था ऑर्डर करना था तो एक कोई ऐप बना और उस ऐप के थ्रू उन्होंने ऑर्डरिंग चालू कर दिया है ना। जैसे अब सिनेमा हॉल में टिकट बुक होता है तो पहले क्या जाके लाइन लगती थी सिनेमा हॉल में जाके लाइन लगाना है घंटों खड़े रहना है। अब क्या हो गया बुक माई शो ऐप आ गया है। बुक माई शो में जाइए वहाँ पे आप जिस हॉल में जिस शो में आपको बुकिंग करना है वहाँ पे बुक कीजिए पैसा पेमेंट करिए आ जाएगा। आप ऑनलाइन कपड़े खरीद रहे हैं ऑनलाइन आप जूते खरीद रहे हैं आप ऑनलाइन सारी चीज़ की शॉपिंग कर रहे हैं और ये जो सारा जो बिजनेस है ना वो 25 से 30 साल की उम्र के लड़के कर रहे हैं कॉलेज से निकले हुए लड़के कर रहे हैं कॉलेज में रहने वाले लड़के कर रहे हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
और आपका स्टार्टअप फेल भी हो गया, आपके पास कुछ खोने को नहीं होगा, आप सिर्फ पाएंगे, आप सिर्फ गेन करेंगे। क्या गेन करेंगे फेल होने पे भी? एक्सपीरियंस। आप दुनिया को बता सकते हैं कि हाँ मैंने कुछ अलग किया है, मैंने बाकी लोगों के मुकाबले मैंने कुछ अलग किया है। आप बस अपना समय किसी चाय की दुकान पे डेली 2 घंटे बर्बाद करने से बेहतर, या हॉस्टल में रह करके पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद करने से बेहतर है कि आप मार्केट में अपने आइडिया को लेकर के दौड़े, अपने सर्विसेज को लेकर के दौड़े, अपने स्टार्टअप को लेकर के दौड़े। आपको दो नए लोग मिलेंगे, आपका नेटवर्क बड़ा होगा, आपको लोग पहचानने लगेंगे। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक स्टार्टअप को रन कर रहा हूँ। शायद मैं अगर रन नहीं कर रहा तो शायद रंजीत सर मेरे से कॉन्टेक्ट में नहीं आते, ना ही मुझे आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपके इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते। तो आज जब मैं इस साइड से होकर के आपको ये बता रहा हूँ कि स्टार्टअप क्यों करना चाहिए, कल की डेट में अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो इस तरह के वेबिनार में आपको बुलाया जाएगा कि बताइए अपने जूनियर्स को कि क्यों स्टार्टअप करना चाहिए, और आपका कॉलेज में स्टार्टअप करने का सही डिसीजन आपने क्यों लिया। क्योंकि लर्निंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप भी कम उम्र में है और दुनिया में वही आगे बढ़ता है जिसकी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, जो सीखता है और अपने एक्सपीरियंस को आगे चल के इस्तेमाल करता है। सिर्फ किताबी ज्ञान होने से कोई फायदा नहीं है। आपका जो किताबी ज्ञान है उसको प्रोडक्ट में, उसको सर्विसेज में बदलिए, उसको कमर्शलाइज कीजिए, 100 लोगों में वो चीजों को बेचिए और उससे पैसा कमाइए। अभी आप हो सकता है घर से पैसा लेकर के अपना घर आपका हॉस्टल का फी पे कर रहे होंगे, आप अपना हॉस्टल का एक्सपेंस बियर कर रहे होंगे, अपने छोटे मोटे खर्चे बियर कर रहे होंगे। लेकिन अगर सोचिए कि आप खुद के कमाए पैसों पे और आप जूते खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे और धीरे धीरे आपका बिजनेस बड़ा होगा, तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर में आएगा। तो आप जब आप ये चीजें सोचने लगेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपके अंदर में ह्यूमन पावर आ गया, सुपर पावर आ गया है कि आप अपने आइडिया से दुनिया को बदल सकते हैं, लोगों की जिंदगी इंपैक्ट कर सकते हैं। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और आपको आइडिया स्टार्टअप के बारे में बिजनेस आइडिया चाहिए तो बहुत सिंपल तरीका है इसका। आप डेली बैठिए 7 दिन तक और देखिए कि आपके आसपास में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं अभी लोगों ने निकाला है और आप उस सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। अपने दोस्तों से बात कीजिए, 2-3 दोस्त मिलकर के बैठिए, डिस्कस करिए प्रॉब्लम्स को और 100 प्रॉब्लम डिस्कस करिए। हो सकता है कोई बहुत बेकार का प्रॉब्लम होगा, है ना। तो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप बोले कि ये प्रॉब्लम है या छोटा काम है, नहीं ना, आप सोचिए वो छोटे काम को भी आप बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को बारे में सोचिए कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए कि क्या सोल्यूशन है। क्या इंटरनेट के माध्यम से सोल्यूशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, या व्हाट्सएप से सॉल्व कर सकते हैं, या फेसबुक से सॉल्व कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब सॉल्व कर सकते हैं तो उसका सोल्यूशन बनाइए, उसका एक रेवेन्यू मॉडल डिसाइड करिए कि चलिए हम अगर अब ये प्रॉब्लम है उसका हम ये सोल्यूशन दे रहे हैं तो उसका क्या फी लगेगा, कैसे पैसा कमाएंगे। ये पूरा एक मॉडल बनाइए, बिजनेस मॉडल बनाइए और शुरू करिए इस चीज को। सिर्फ आइडिया, ऐसा भी बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों के पास आइडिया होता है बट वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, डरते हैं कि कहीं फेल हो गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं खोने जा रहे हैं, आपको सिर्फ आप सिर्फ पाने जा रहे हैं, आप सिर्फ जीतने जा रहे हैं स्टार्टअप करने करके। हो सकता है आप कॉलेज के बाद आप सिर्फ डिसाइड ना करें कि नहीं कॉलेज मुझे नहीं करना है, मुझे पहले जॉब करना है, वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। लेकिन जब तक आप कॉलेज में हैं, आप एक बार जरूर किसी आइडिया पे काम करिए, आप किसी बिजनेस पे ट्राई करिए और देखिएगा कि आप लोगों में कोई ना कोई सक्सेसफुल होकर निकलेगा भी। मेरी सारी फैकल्टी मेंबर्स से भी रिक्वेस्ट है और रंजीत सर से भी कि आप लोग ना अपने कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाइए, एक स्टार्टअप सेल बनाइए, जहाँ पे जिन बच्चों को स्टार्टअप में इंटरेस्ट है वो उस सेल को ज्वाइन करे, उस क्लब को ज्वाइन करे, और वहाँ पे आप धीरे धीरे आप रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करिए कि मान लीजिए किसी बच्चे को इंटरेस्ट है कि वो ये स्टार्टअप करना चाहता है, तो आप ऐसे लोगों को जोड़िए अपने इंक्यूबेशन से, स्टार्टअप से, जो आपके बच्चों को। हाँ सम्राट सर, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे कॉलेज में इस तरह का भी प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि रोबोटिक्स में हमारे यहाँ बच्चे कर रहे हैं और खुद का अपना स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है, उसमें भी ट्रेन किया जा रहा है बच्चे लोग को। ये मैम बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप लोग कर रही हैं, बट इसको और एग्रेसिव लेवल पे करने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल इसी वजह से तो आपको बुलाया गया है कि ताकि आप मोटिवेट करें बच्चों को, क्योंकि बच्चों के पास खोने के लिए मैम कुछ नहीं है।
नहीं वो अगर कॉलेज में रहकर स्टार्ट करेंगे ना तो आपका सपोर्ट मिल जाएगा उनको, पेरेंट्स से भी कोई प्रेशर नहीं होगा कि भाई आपको जॉब करोगे, जब तक कॉलेज में है पेरेंट्स उनको एक रुपया का टेंशन नहीं देने वाले हैं कि उनको कि भाई जॉब करना है, हाँ बट वो बोलेंगे कि आपको पढ़ाई करनी है। और मैंने भी कॉलेज किया है और मैं जानता हूँ कि बच्चे 24 घंटे पढ़ाई नहीं करते हैं कॉलेज में, अगर आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप डेली का 3 घंटा अपने बिजनेस पे समय दीजिए, 4 घंटा समय दीजिए, आप देखेंगे कि आपका ये 3-4 घंटा डेली का अगले 3 महीने में आपको वो सब चीज सिखा के जाएगा ना आप जो पिछले 15-20 सालों में नहीं सीखे होंगे। आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, आप हो सकता है कि आप ऐसे 15-20 लोग ऐसे लोगों को जोड़ लेंगे अपने बात में जो आपके आइडिया में आपके स्टार्टअप में आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी होंगे आपको। तो आप फैकल्टी मेंबर से भी कि काफी प्रोएक्टिवली मतलब कि लोगों को इंगेज करें, बच्चों को इंगेज करें कि वो स्टार्टअप करें, क्योंकि मान लीजिए मैम मैं हम कितनी भी बातें कर ले बट ये बातों के लेवल पे ही है, जब तक ये ग्राउंड पे उतरेगा नहीं और जब तक आप जैसे आज ये वेबिनार हो रहा है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वेबिनार के बाद कम से कम 10-15 लड़के अपने कुछ ना कुछ आइडिया के साथ आगे आए कि हाँ मैम मुझे ये करना है, मुझे सर मुझे ये करना है। और कॉलेज को भी आजकल गवर्नमेंट से भी काफी सारा सपोर्ट मिल रहा है और काफी सारे लोग कॉलेजेस को भी सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप जो भी तरह का आपका आइडिया है आप उसको एकदम होल हार्टेडली 100% कॉन्फिडेंस के साथ में समय दीजिए, क्योंकि आपके पास कॉलेज में काफी समय है, आप उस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कि कॉलेज से निकल जाएंगे जब जॉब करेंगे ना तब आपको बैक में रियलाइज होगा कॉलेज का टाइम कितना बेहतर था। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैंने जितना अपने कॉलेज में स्टार्टअप को लेकर किया वो कुछ नहीं था, वो शायद 5% था आज के मुकाबले, लेकिन शायद मुझे किसी ने मुझे मेंटरिंग किया होता, मुझे सही डायरेक्शन बताया होता कि जैसे मैं आज आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ बता रहा हूँ कि ये चीज करना चाहिए, मुझे किसी ने नहीं बताया था, मुझे किसी प्रोफेसर ने भी गाइड नहीं किया था इस तरीके से। आज आपके साथ मतलब कि कुछ लेडी प्रोफेसर हैं, कुछ प्रोफेसर रंजीत जैसे सर लोग हैं जो आपको इस तरह के वेबिनार करके ऐसे लोगों को लेकर के आ रहे हैं आपके साथ, आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिससे कि आप इस तरह की चीजों पे अपना फोकस ला सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं ना। तो अभी एक बच्चे ने कहा कि सब फंडिंग का खेल है, देखो बाबू फंडिंग का खेल बिल्कुल है, बट फंडिंग का खेल तभी आता है ना जब कोई काम करता है, क्योंकि बिना काम किए बिना रिजल्ट दिखाए ना किसी को फंडिंग नहीं मिलता है। आपको करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कुछ करना ही पड़ेगा, बिना किए आप नहीं करेंगे तो किसके हाथ में पैसा डाल, किसके कंपनी में लोग पैसा डालेगा, लोग पैसा डालने के लिए उतावले हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी रिसेंटली मेरे एक कॉलेज के सीनियर ने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है वॉश हो करके। वॉश हो क्या करती है, घर आजकल हर किसी के पास ना कार है, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपकी कारें गंदी होती हैं और आपको कार को साफ करना है, कार को क्लीन करना है, तो अभी क्या करते हैं आप गैराज में लेकर के जाते हैं और आपको डेली का काम है तो आपको समय नहीं मिलता कि गैराज में लेकर के जाए वहां पे 3 घंटे गाड़ी को लाइन में लगाएं फिर गाड़ी साफ करें। तो मेरे सीनियर ने क्या किया है, ऑन डिलीवरी मैंने ऑन जहां पे आपका घर है ना जहां पे आपकी गाड़ी है ना वो वहां पे बाइक से पहुंचेंगे और आपकी गाड़ी को ड्राईलेस क्लीनिंग करेंगे, बिना पानी के साफ कर देंगे, केमिकल से सॉप से सारी चीजें करके क्लीन कर देंगे और उसके लिए वो 249 रुपीज चार्ज करते हैं। और आप गैराज में जाकर करके अपना गाड़ी साफ करा रहे हैं दे विल चार्ज 500-600 रुपीज एंड दे आर चार्जिंग ओनली 249। और पिछले 10 दिनों में उन्होंने 100 से ऊपर गाड़ियां क्लीन कर ली है और उनका बिजनेस निकल पड़ा है, उसमें उन्होंने कोई वहीं से फंड रेज नहीं किया है, उन्होंने बस छोटे छोटे इक्विपमेंट कर दिए जिससे गाड़ी साफ हो जाए, क्लीनिंग के कुछ आइटम्स लिए हैं और बस क्लाइंट को अप्रोच किया है, उन्होंने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपने कनेक्ट्स को मैसेज किया कि मैं इस तरह का सर्विस दे रहा हूँ, घर पे आके आपकी गाड़ी साफ करूंगा। आज उनके पिछले 10 दिन उन्होंने इतने क्लाइंट्स हो गए हैं, उन्होंने अपने अंदर में 5 लोगों को जॉब दे रखा है गाड़ी क्लीन करने के लिए और बस व्हाट्सएप के थ्रू सारा बिजनेस उनका चल रहा है। तो बस एक छोटा प्रॉब्लम था कार क्लीनिंग का कि लोगों को समय नहीं था कि जाकर के गाड़ी गैराज में लगाएं। अब उनका सोल्यूशन क्या था कि अगर आप घर पे आके डिलीवरी कर घर पे आके कार क्लीन कर ले तो वो आपको पे कर देंगे और वो बिजनेस निकल पड़ा है। अभी वो अपने बिजनेस को बिहार के अलावा अलग अलग राज्यों में एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं ना, और काफी सारे इन्वेस्टर भी अप्रोच कर रहे हैं कि हम आपके बिजनेस में पैसा डालेंगे, क्यों, क्योंकि उनका बिजनेस पैसा कमा रहा है। तो अगर आपको अभी एक शख्स ने पूछा है, शाश्वत माही ने पूछा है कि एडवर्टीजमेंट का क्या है, बच्चों आप सब फेसबुक पे हैं, आप सब इंस्टाग्राम पे हैं, दैट इज ऑल्सो
ए प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टीजमेंट, आपके कनेक्शन में 1200 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, आप वहां पे डाल सकते हैं कि आपका ये स्टार्टअप है, ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है। सर ने भी ऐसे ही किया है, उन्होंने व्हाट्सएप में अपने स्टेटस में लगा दिया कि मैं कार गेट कार क्लीनिंग एट योर होम एट 249 रुपीज पर कार। आ गया, लोगों के पास गाड़ी है, उनको कार क्लीन कराना है, लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से। अब जब पैसा उनके पास आ रहा है तो वो उसी पैसे को फिर री इन्वेस्ट कर रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग में, इंस्टाग्राम मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग फर्म को हायर किया उन्होंने, उनको कुछ थोड़ा पैसे दे रहे हैं करने के लिए। तो पैसे का प्रॉब्लम बाद में आता है, पहले आपका एटीट्यूड का अभी प्रॉब्लम है कि यार आप कुछ समय बर्बाद कर रहे हैं बेकार की चीजों में, तो आप उससे बेहतर कुछ प्रोडक्टिव काम करिए, कुछ स्टार्टअप बिजनेस आइडिया पे काम करिए ताकि कुछ पैसे आपके पास आए, तब जाकर के ना आप कहानियां सुना सकते हैं। हो सकता है कि आप मेरे जैसे आप भी किसी वेबिनार में बैठे होंगे और आप भी अपने बिजनेस आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे होंगे और आगे वाले को बता रहे होंगे क्यों बिजनेस करना जरूरी है और इस कॉलेज में बेस्ट प्लेस क्यों है करना। इससे क्या होगा कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आप खुद के खर्चे खुद उठाने लगेंगे, 5 लोगों को आप जॉब देने लगेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है ना कि आत्मनिर्भर भारत, तो आपके फैकल्टी मेंबर्स, आपके प्रोफेसर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग, आपको और भी काफी सारे रिसोर्सेज अवेल कराए ताकि आप भी आत्मनिर्भर बने, आप भी खुद के बिजनेस रन करें, खुद के स्टार्टअप रन करें। और ये बातें सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि आजकल काफी सारे ऐसे इनिशिएटिव आए हुए हैं गवर्नमेंट के जहाँ पे लड़कियों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है। आज बिहार सरकार एक स्कीम लाई हुई है कि हर बिजनेस को वो उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए उसमें दे रही है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने आइडियाज को लेकर के। अब मैं काफी सारे लड़कियों जो काफी सारे लड़की इसमें जुड़ी हुई इस वेबिनार में, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी प्रोएक्टिवली स्टार्टअप के फील्ड में आए, स्टार्टअप करें, बिजनेस आइडिया पे काम करें। और आजकल बैंक्स भी लेडी एंटरप्रेन्योर्स को काफी सारा सपोर्ट करती है, तो आपका भी आइडिया थोड़ा भी चल पड़ेगा या बिजनेस पैसा आने लगेगा तो काफी सारे लोग आपसे भी जुड़ने लगेंगे। तो जितने भी लोग इस वेबिनार में हैं, आप इस वेबिनार के बाद आपस में दोस्तों में बात करिए, छोटी सी 3-4 लोगों की टीम बनाइए, प्रॉब्लम पे डिस्कस करिए, प्रॉब्लम डिस्कस सॉल्यूशन देखिए, उस सॉल्यूशन पे पैसे कैसे कमाने हैं वो देखिए। फिर भी अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप बस ये डालिए कि इंडिया में किस किस तरह का स्टार्टअप है, आप देखिए किस तरह का स्टार्टअप काम कर रहा है। आप बोलिए, आप ये सर्च करिए गूगल पे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम, गूगल पे सर्च करिएगी प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, स्टार्टअप आइडियाज। ऐसे जब सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारी चीजें आने लगेंगी, आपके पास बहुत सारे चीजें इनपुट आपके दिमाग में आने लगेंगी और उस इनपुट के तहत पे आपका धीरे धीरे आपके दिमाग में एक आइडिया का फ्रेमवर्क आने लगेगा कि मुझे कौन से आइडिया पे काम करना चाहिए। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी रैंडमली मैं पेपर पढ़ता था, मैं गूगल पे सर्च करता था कि स्टार्टअप होता क्या है, किस तरह के बिजनेस पे काम कर सकते हैं, तो धीरे धीरे लर्निंग मिलते चली जाएंगी। और अभी एक जो है, अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा उद्यमी योजना क्या है, तो बिहार सरकार ने ना युवाओं को प्रेरित करने के लिए कि बिजनेस की तरफ उनका रुझान हो, तो बिहार सरकार ने एक योजना लेकर क्या है, उद्यमी योजना, जहां पे वो 10 लाख रुपए बिजनेसेस को फंड कर रहे हैं, 5 लाख रुपए वो सब्सिडी दे रहे हैं और 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं 1% पर एनम पे, जिसको 10 साल बाद 7 ईयर्स के बाद उसको आपको रिटर्न बैक करना है। तो आप इन योजनाओं का यूज कर सकते हैं, बट यूज तभी होगा जब आप प्रोएक्टिवली स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे आएंगे, आइडियाज पे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों में जितने भी बच्चे हैं, कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, आप राहुल सम्राट सर्च करेंगे या रंजीत सर के पास लिंक है मेरा, आप मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, आप उनके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी। और मैं फैकल्टी मेंबर से भी कहूँगा कि अगर जब क्लासेस ऑन हो तो आप मुझे एक बार मौका ज़रूर दें कि मैं क्लासरूम में भी इस तरह का वेबिनार, क्योंकि ऑनलाइन के फील्ड में और ऑफलाइन में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मैं इस तरह के ना वेबिनार्स को खोजता था, कोई मुझे गाइड करे, मेंटरिंग करे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं फिर से किसी कॉलेज में इनपुट दे रहा हूँ। तो मेरी हेलो सर, मैं बोल रही थी कि अगर आपके पास सही में टाइम है और आप ऑफलाइन बच्चों से ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ आकर के उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो वी वेलकम यू सर वेरी मच।
क्योंकि ऐसा तो बच्चे चाहेंगे ही कि उनको इस तरह से कोई सामने और सामने से मोटिवेट करना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है ना, इस तरह से जुड़ना और उससे तो बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, कोऑर्डिनेट करिए उनके साथ, रंजीत सर के साथ आप अपना टाइम बताइए, हम उस हिसाब से यहाँ पर आपका टाइम शेड्यूल फिक्स कर देते हैं, ठीक है? जरूर, क्योंकि बच्चे तो अब आने लगे हैं कॉलेज में और अभी तो चूंकि उन लोगों का सिलेबस भी लगभग कंप्लीशन पर है, सभी बच्चे लैब वर्क कर रहे हैं और अभी लगभग फ्री हैं, तो आप बहुत अच्छा समय है ये, अगर आप आइएगा और उनको मोटिवेट कीजिएगा। मैम मैं बस बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जीवन का, अपने कॉलेज का बस 3 महीना दीजिए, 3 months आप अपने दीजिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। आपका बिजनेस आइडिया सक्सेस करे फेल करे वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट आपका जो लर्निंग होगा ना, जो आपका एटीट्यूड में बदलाव आएगा, वो आपके प्रोफेसर खुद ब खुद आपको बोलेंगे। आज आप आज जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह का कॉन्फिडेंस है, वो सारा 3 गुना हो जाएगा अगले 3 महीने में। मुझे ये उम्मीद है कि मैंने अपने में ये फील किया जब मैंने ये सब सारी चीजें की है कॉलेज में भी और कॉलेज के बाद भी, तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि स्टार्टअप क्यों करना चाहिए। दैट इज वाई जब रंजीत सर ने मुझसे कहा कि सर आप कोई आइडिया, कोई टॉपिक सजेस्ट कीजिए, तो मुझे लगा कि कॉलेज में इससे बेहतर कोई टॉपिक नहीं है कि कॉलेज में स्टार्टअप क्यों करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि आपको तो बिजनेस के बारे में आपको हम और मोटिवेट कर सकते हैं, बट मोटिवेशन का फायदा तब है ना जब आप आगे आकर के बोले कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा ये करना है, तो इससे क्या फायदा होगा कि आप इन चीजों को लेकर के पॉजिटिव होंगे। और मैं बोला हूँ 3 महीने ही देने, 3 महीने के बाद आप ना करें, आपको लगे कि नहीं मुझे जॉब ही करना है, आप करिए, आपको आपको जो मन में आया वो करिए, लेकिन आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। कॉलेज में आपके दोस्त हैं और ऐसे जैसे कैसे दोस्ती में फिल्म देखने चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, तो ऐसे ही एक चलिए स्टार्टअप जर्नी पे चलते हैं, एक बिजनेस की जर्नी पे चलते हैं 3 महीने के लिए और करके देखते हैं कि कर पाते कि नहीं कर पाते। अगर फेल भी होते हैं तो फेल होने का कारण पता कर देंगे कि क्या कारण है हमें फेल होने का, है ना? अभी तक आप जहां से भी आए हैं तो आपने इंट्रेंस देखिए, 10th पास किया होगा, 12th पास किया होगा, ये इंट्रेंस देकर आपने पटना 13 कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, आपने हर जगह तक आपको सक्सेस मिला होगा ना, लेकिन कोई ऐसा चीज करके देखते हैं ना जहां पे फेलियर का भी उतना ही चांस है। लेकिन आप जब अगर आप 10th में कहीं फेल करते हैं ना, या कहीं किसी एग्जाम में फेल करते हैं, हो सकता है आपके टीचर आपको डांटते होंगे, आपको पिटाई करते होंगे, आपके पेरेंट्स डांटते होंगे, उनसे पिटाई करते होंगे, क्योंकि वहाँ पे फेल होने पे वहाँ पे नुकसान बहुत ज्यादा है, आपका साल जीवन का 1 साल कम हो जाता है, फिर से आपको वही चीजें करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप बिजनेस में फेल होते हैं ना तो आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि आपने उस फेलियर को से सीखा है। अब जीवन में आप कुछ भी आगे करेंगे ना, आपका ये जो एक्सपीरियंस है आप इसको आगे इस्तेमाल करेंगे। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि आप आज जो किताब में पढ़ रहे हैं ना, आप वो अगले 10 साल में भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा कि आपने 12 जून 2018 की क्लास में क्या पढ़ा था। लेकिन आज इस वेबिनार में आपको स्टार्टअप को लेकर के जो भी फील हुआ होगा ना, तो वो फीलिंग जो है ना आपको 10 साल बाद भी होगी। अगर आप आज स्टार्टअप कर रहे हैं और आज चल पड़ा, आप 10 साल के बाद कभी आप सोचेंगे कि कैसा, कोई दिन याद करेंगे 10 साल बाद, तो ये वेबिनार आपको जरूर याद आएगा। क्योंकि इंसान अपने एक्सपीरियंस को, अपने फीलिंग्स को नहीं भूल सकता है। नंबर और नॉलेज को जो आपने सीखा है, अच्छा पढ़ाई में जो लेक्चर मिला है, वो दिमाग से निकल सकता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस और आपका जो फीलिंग है वो आपके जीवन से नहीं निकलेगा। जब तक आप इस धरती पे हैं तब तक आप वो आपके साथ रहेगा। तो आप लोग 3 महीने के लिए इस जर्नी पे निकल पड़िए। आप लोग सारे दोस्तों लगभग 82 लोग हैं, आई थिंक 70 लोग इसमें बच्चे होंगे, बाकी कुछ फैकल्टीज होंगी। आई थिंक मैं फैकल्टी लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम आई थिंक आप लोग भी प्रोफेसर हैं, आप लोग भी ने काफी लंबा वक्त टीचिंग किया है, पढ़ाया है बच्चों को, आप भी इस जर्नी में निकल पड़िए, स्टार्टअप की जर्नी में बच्चों के साथ। आई थिंक आपके टीचिंग स्टाइल में भी और आपके आपके एटीट्यूड में काफी फर्क आएगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है ना मेरे टीचर्स को, मेरे मेंटर्स को, कि जब वो बातें करते हैं जब मेरे से, तो मैं खुद ही इंस्पायर उनको हो जाता हूँ। तो मैं लगता हूँ आप भी जुड़िए इस 3 महीने की जर्नी के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि आप लोगों को भी सोचता था कि स्टार्टअप की उतनी नॉलेज नहीं होगी, कि आपने कभी किया नहीं है, आपका रुझान उस प्रकार नहीं हो रहा है, बट आप कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए भी काफी लर्निंग हो रहा होगा, कि आपको भी काफी बिल्कुल आप अपना टाइम सर हम रंजीत सर के थ्रू हम लोग को बता दीजिए कि कब आप टाइम दे सकते हैं। हम लोग आपकी मीटिंग जरूर यहाँ रख रहे हैं, सेमिनार एक रख रहे हैं, ताकि आप बच्चों से फेस टू फेस आकर के उनको मोटिवेट कर सके।
बिल्कुल मैम बिल्कुल। और बच्चों से जो लोग जुड़ना, हाँ उनको आप ये कर, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, अभी हम लोग ऑफलाइन वेबिनार तो करेंगे ही कॉलेज में, तब तक आप फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, और आपके पास कोई आइडिया हो या कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। रंजीत सर, हेलो रंजीत सर, हेलो मैम, अभी उन्होंने म्यूट कर लिया, आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल। हाँ नहीं मैम, मैं हूँ। अच्छा, तो देखिए ना बच्चों है क्या। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आ रहा है मैम बच्चों से, वो फंड रेजिंग के बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मैं बच्चों से एक ये सवाल बोलना चाहूंगा ना, अभी आप फंड रेजिंग और एडवर्टाइजमेंट मत सोचिए, अभी पहला स्टेज है आपका स्टार्टअप आइडिया पे काम करना है। कौन से आइडिया पे काम करेंगे? अभी आपने नर्सरी पास नहीं किया और सीधे आप क्लास 5 के बारे में सोच रहे हैं। अभी नर्सरी क्लियर करना है ना, अभी नर्सरी में जाना, अभी ये सब चीजें क्लियर करेंगे तब वो जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे। और अभी एक लड़के ने सवाल पूछा कि हाउ कैन वी मैनेज वर्क लोड मैनेजमेंट, यही तो चीज सीखनी है ना। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन करके तो देखेंगे ना, है ना। अभी बैठे बैठे अपने फेलियर को एक्सेप्ट करने से बढ़िया है कि करके एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। वॉरियर की तरह काम करना है। मैं ना अपने हर वेबिनार में अपने हर दोस्तों को बोलता हूँ ना कि हम जो बिहारी लोग हैं ना, पहाड़ काट के रास्ता बनाने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम देखते हैं तो पहाड़ पे रस्सी लेके पार करते हैं, हमें जब पहाड़ दिखता है तो हम काट के रास्ता बनाते हैं उसमें से। तो ये जो पहाड़ काटने की जो टेंडेंसी है ना, वो हम सबके अंदर में है, हम सबके अंदर पहाड़ काटने का क्षमता है। बस करना क्या होगा, बिल्कुल बस करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो सर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए सर। अच्छा, वही पॉइंट को ही लेकर के बच्चों का सवाल ज्यादा, फंडिंग के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अभी क्लास 5 करें बात करने से फायदा नहीं है, बट फंडिंग आपकी आ जाएंगी। बट वो क्या है ना कि वो फंड्स जो है ना आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है। आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आपका बिजनेस ऐसा है कि जिसको दुनिया में हर जगह में एक्सपेंड कर सकते हैं ना, तो आपको फंड मिल जाएगी, ठीक है ना। दुकान खोलने के लिए कोई फंड नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसा कुछ बिजनेस आइडिया आपके पास है, तो लगभग हजारों लोग ऐसे हैं जो फंड करते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में भी लोगों ने फंड किया है हमें, इसी वजह से हम एक्सपैंड कर पाए 8 जगहों में। तो वैसे आपके साथ भी होगा, लेकिन वो तब होगा ना जब आप बिजनेस को मॉडल क्रिएट करेंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। उससे कोई फंड आपको कब करेगा, जब आप अपने बिजनेस के खुद के लिए पैसे कमाएंगे, तभी ना कोई आपको फंड डाल के तब उसके लिए भी कुछ पैसे कमाएं। आपके सिर्फ आइडिया पे कभी आपको फंड नहीं मिलेगा। आइडिया पे फंड तभी मिलता है ना जब आप ऑलरेडी प्रूवन हो, आपकी कैपेबिलिटी प्रूवन हो, आपके आपका आपका पोटेंशियल पहले से प्रूवन हो कि हाँ इस लड़के ने पहले से कुछ उखाड़ रखा है, इतने इन्होंने कुछ कर रखा है, तब उसको भी फंड करता है। मान लीजिए कि जोमैटो के फाउंडर के पास कोई आइडिया है, तो जोमैटो के फाउंडर ने तो पहले से जोमैटो बनाया हुआ है, वो सक्सेसफुल स्टार्टअप है। अगर वो कोई दूसरा स्टार्टअप करेगा ना, तो बहुत सारे इन्वेस्टर उसमें पैसा डालेंगे सिर्फ आइडिया बेसिस पे, ठीक है। तो अभी फंड के बारे में भी ना सोचे, फंड अभी बाद का स्टेप है। पहला स्टेप है आपको अपने बिजनेस पे काम करना है। किस बिजनेस पे काम करेंगे जिससे पैसा आए। एक स्टूडेंट है सर, शाश्वत माही, वो कुछ पूछना चाह रहा है। शाश्वत, मेरी आवाज आ रही है? पूछो तुम, क्या पूछो। यस सर, सर सर एम आई ऑडिबल? हाँ आप ऑडिबल है शाश्वत, बोलिए। सर बात यह है कि हम लोग के पास कुछ आइडिया है और हम लोग उस पर काम स्टार्ट भी कर चुके हैं, और सर फिर बात हमारी अटक जाती है वही फंड पे लेके। उस कारण से 2-3 बार सर एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, फिर वहां आके फंस जाते हैं। देखिए सासों एक तरीका बताते हैं, ठीक है ना। देखिए फंड्स का प्रॉब्लम ना सारे स्टार्टअप को होता है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, दशरथ मांझी का आपने नाम सुना है? यस सर। दशरथ मांझी को जब पहाड़ काटना था और वो सरकार में जाकर बोलते थे कि भैया यहाँ से रास्ता निकालिए, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो कोई नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन अगर दशरथ मांझी यही सोच करके बैठ जाते कि भाई सरकार पैसा नहीं दे रहा है, यहाँ रास्ता कैसे बनेगा, तो कर पाते नहीं।
उन्होंने क्या किया, छेरी हथौड़ी उठाया और काट के रास्ता बनाया, उसके बाद सरकार के नरे यार यहाँ से रास्ता बन सकता है, तो सरकार फंड किया। तो फंडिंग भी यही है, अगर आप के पास अगर कोई इशू आ रहा है तो आप कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि आपका बिजनेस कर सके। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कुछ दिनों पहले मेरी दोस्त से बात हुई थी, ठीक है, तो उसका जो स्टार्टअप है ना वो कस्टमाइज टी शर्ट बेचने का है, मतलब कि वो टी शर्ट जो है ना, मतलब कि प्रिंटेड टी शर्ट देखते हैं ना आजकल, गर्दा और ये बिहार लिखा हुआ बहुत सारा प्रिंटेड टी शर्ट आजकल आता है, ठीक, कस्टमाइज टी शर्ट बोलते हैं उसका, उस तरह का बिजनेस है, ठीक है। और वो उसके पास मशीनें हैं, वो प्रिंट कर रहा था बट उसका सेल नहीं हो रहा था, तो वो हमको बताया कि राहुल यार सेल नहीं हो रहा है और मेरे पास पैसा नहीं है एडवर्टीजमेंट करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो पता है मैंने उनको क्या तरीका बताया कि आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी फॉलोइंग 5,000 है, 10,000 है, 1,00,000 है, 1.5 लाख है। मैंने कहा कि आप उस इन्फ्लुएंसर से बात करो कि भैया आप मेरा टी शर्ट पहन करके ना अपने वीडियो में ऐड करो और जितनी टी शर्ट बिकेंगी ना हम आपको 10% उसमें हम आपको देंगे। और उसके इस आइडिया में क्या हुआ, उसका पैसा लगा नहीं और उसने अपने 3 इन्फ्लुएंसर को जोड़ा है, उन्होंने 3 इन्फ्लुएंसर को जोड़ लिया है। और उस 3 इन्फ्लुएंसर को जोड़ने का फायदा क्या हुआ है, उसका टी शर्ट का सेल बढ़ गया है, अब डेली बेसिस पर उसके पास 10 से 15 ऑर्डर आ रहा है टी शर्ट का। अब बताइए उसके पास ऐड करने का पैसा नहीं था लेकिन उसने 20 का रास्ता निकाला कि भाई किस तरीके से, क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी हम लोग लगाए हैं जहां पे बिना पैसा खर्चा किए मेरा काम हो जाए। जुगाड़ लगाते हैं ना भाई हम लोग, अगर स्टूडेंट हैं और किताब खरीदने का पैसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, कहीं से लाइब्रेरी से किताब, फोटो जितनी पेजेस की जरूरत होती है उसका फोटो कॉपी करा के इस्तेमाल कर लेते हैं, करते कि नहीं करते हैं, तो वही वहाँ क्या पीडीएफ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यही सब तरीका इस्तेमाल करना है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है ना, तो कम से कम आप स्टार्ट करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए ना उस तरह का जुगाड़ लगा सकते हैं। जब आप जुगाड़ लगा लेंगे, पैसा कमाने लगेंगे थोड़ा बहुत ना, तब आता है फंडिंग का स्टेज, तब लोग आके बोलेंगे कि हाँ भैया आपको इतना फंड चाहिए, हम आपके कंपनी में इतना शेयर लेंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए, ठीक है। अभी आप अपने नंबर वन प्रॉब्लम पे जाओ, आपके स्टार्टअप का जो पहला ही प्रॉब्लम आया है उसको लेकर के ही आप रुक गए हैं, तो आप आगे चल के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे आप, है ना। तो खुद में ये कोशिश करिए कि बीच का रास्ता निकालिए, कुछ जुगाड़ लगाइए कि भाई चलो पैसा नहीं है, चलो कोई पैसा फंड नहीं करेगा, नहीं क्या तरीका है जिससे कि कुछ जुगाड़ निकल जाए, समझ गए। ये सम्राट सर, आप फेस टू फेस यहाँ बच्चों से मिलने के लिए आप हमारी बहुत बढ़िया बात होगा, तो आप जरूर कोऑर्डिनेट करके एक टाइम हम लोग को दे दीजिएगा। और क्योंकि हम लोग का वेबिनार का भी कुछ टाइम बाउंड है सर, तो सवाल जवाब का तो कोई एंड होगा नहीं, है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो तो थैंक्स के लिए अपने मैकेनिकल के स्टूडेंट ऋतिक राज, ऋतिक आर यू रेडी, ऋतिक? यस मैम। हाँ ठीक है, यस मैम, इनवाइट करना चाहूंगी, वो तो थैंक्स के लिए ऋतिक। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं ऋतिक राज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रथम सेमेस्टर का छात्र हूं और आज के इस विशेष सेशन में मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं अपने गुरुजनों का और अतिथि को प्रणाम करता हूं और आप सभी को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले मैं अपने संस्थान के प्राचार्य महोदय जी का धन्यवाद करता हूँ जो अपने अथक प्रयासों से हमें नए नए बुलंदियों तक पहुँचाने का कोशिश करते रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। आज से करीब 13 माह पूर्व यानी 13 जून 2020 को उनके द्वारा हमारे संस्थान में एक नई रीत की नींव रखी गई, वहीं से वेबिनार का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ और आज हम उसी सिलसिले के 51वें पड़ाव में हैं। वे अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से हम लोग समय भी निकाले
जो उनके भी संस्थान के प्रति हमारे प्रति संवेदनशीलता और गंभीरता को दिखाता है। और आगे बढ़ते हुए मैं पूरे नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक के परिवार की ओर से हमारे अतिथि राहुल सर का धन्यवाद करता हूँ और उनके लिए दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। सफल हुआ है कार्यक्रम, सफल निहित उद्देश्य। सफल हुआ है कार्यक्रम, सफल निहित उद्देश्य। आप सभापति मिल गए कोशित हृदय सने। सर आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे हमको दिया, हमारे मार्गदर्शक बने, इसके लिए हम सभी आपके लिए आपके कृतज्ञ हैं। और सर सच बताएं तो मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने कभी स्टार्टअप के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, कभी उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। उन लोगों को लगा कि हम लोग अपने ज्ञान रूपी बाणों को संचय कर लेंगे ताकि भविष्य में अवसर रूपी धनुष का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपने बताया कि हमारे लिए हमारा कॉलेज ही धनुष की तरह है पर जिससे हम लोग सफलता को विजय प्राप्त कर सकते हैं। और सर ये बताते हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कुछ साथी भी हैं, मित्र भी हैं जो एक स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, मेरे ही सेमेस्टर के हैं, जो हाउस वाला नाम के कंसेप्ट पर वर्क कर रहे हैं। उन्होंने अपना वेबसाइट अपने से ही डिजाइन किया, पिछले एक महीने से वर्क कर रहे हैं। और सर ये बहुत खुशी होगी कि आप हमारे साथ आएंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा और हमारे जैसे और सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचा है तो जरूर सोचेंगे, आपसे आपका हेल्प लेंगे। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे बढ़ते हुए इस वेबिनार के संचालक प्रोफेसर रंजीत सर और डॉक्टर मंजू मैम को भी धन्यवाद करता हूँ और सारे शिक्षकगण का भी धन्यवाद करता हूँ जिनके प्रयासों से हमें नए नए अनुभवों को गले लगाने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। सर आप सभी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और हरदम रहेंगे भी। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए संस्थान में नव गठित आईटी क्लब को भी बधाई देना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ। यह 21 सदस्यीय टीम जो कि निरंतर वेबिनार के सफल आयोजन के लिए हरदम कार्यरत रहती है, हरदम काम करती है। यह टीम डॉक्टर अनुपमा मैम, डॉक्टर मंजू मैम, डॉक्टर रंजिता मैम, प्रोफेसर श्वेता मैम और विश्वजीत सर के छत्र छाया में नए नए बुलंदियों को छूने के लिए हमेशा तत्पर है। मैं खुद उस टीम का हिस्सा हूं और इसके लिए मुझे बहुत गर्व है और मैं पूरे आईटी क्लब को उसके सफल प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे। और अंत में मैं आप सबको फिर से धन्यवाद करता हूं और आप सभी के लिए दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। गुणकारी सोहबत मिली गुणकारी उपदेश, आभारी हम आपके, आय श्री विशेष। धन्यवाद। बहुत बढ़िया ऋतिक साथ ही हम लोग आज का विषय बढ़िया रहा, इतने अच्छे टॉपिक पर आपने मतलब बच्चों को मोटिवेशन का कहते हैं अंकुर डालना, कहते हैं ना बीज डालना, अब उसको अंकुरित होना है और उसको फलीभूत होना है। तो आपको आना पड़ेगा सर फिर से एक बार, क्योंकि बीच में खाद पानी तो देना ही पड़ेगा ना, अपने आप तो पौधा बढ़ेगा नहीं। नहीं बिल्कुल मैं पूरा इंटरेस्टेड हूँ। राहुल सर इंटरेस्टेड है, मैम खुद बोल रहे थे कि हम ऑफलाइन भी करना चाह रहे हैं, वहाँ पे बच्चे को बताना चाह रहे हैं। आप अपना टाइम बताइए सर, लेकिन सैटरडे प्रोबेबली कोशिश कीजिएगा कि सैटरडे रहे वो, ठीक है? ऐसे अगर आपको सैटरडे नहीं हो पाएगा तो आप किसी भी वर्किंग डे में सेकंड हाफ ले सकते हैं, ठीक है? प्रोबेबली आप सैटरडे लीजिए ताकि सारे बच्चे उस दिन क्या होता है, सिर्फ टेस्ट होता है, वर्कशॉप होता है, तो वर्कशॉप वाले टाइम में ये हम लोग करा लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके मैम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और मुझे मौका देने के लिए। जितने लोग अटेंड बहुत बहुत थैंक यू। रंजीत सर आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतने अच्छे गेस्ट को बुलाया। और आपको मैम धन्यवाद जो आप वेबिनार कंटिन्यू कर रहे हैं, मोर देन वन ईयर हो गया अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत ओके देन, बाय बाय, नमस्कार। थैंक यू मैम।